Good afternoon. Good afternoon, one and all present here. I welcome you all to this 3-day fresh, green and natural workshop on entrepreneurship development through organic nursery and farming. Friends, we all know that Vidarbha Industries Association is a prominent organization, it's a premier organization working for promotion and development of industries throughout Vidarbha. Keeping in mind the mission and vision of VIA, we at VIAVW, we also organize various programs, seminars, workshops and exhibitions which help people to develop their business, to promote their business, and they get to know the business, what is business leadership and all. So coming to this workshop, nowadays we hear a lot about the in thing, the new concept, the latest concept. So today we are here to learn the newest, the most recent and the most current trend currently, the in thing in entrepreneurship, that is organic farming. Organic farming is totally reliant on green manure, compost and crop rotation, which help to increase the soil fertility and which in turn helps to improve the ecological balance of nature, and that is very important, and that is the need of this hour. So to know all these things, how to start, how to go about it, how to begin, what are the major factors we should look upon, and what are the bank schemes for this agro product. So to learn all these things, we have many eminent speakers with us for continuously for 3 days. So now we are going to start this program. I hope you all have a very happy and great learning in these 3 days. I will hand over mic to our project director and past president Sanjeev Mani for further proceedings. Thanks, President Madam. मैं शशि मलिक VIAW की पास्ट प्रेसिडेंट और आप सभी का स्वागत करती हूँ. मुझे लगता है ये कृषि के बारे में बात है तो हम तीनों दिन कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में ही करें ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें. आज हमारा ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इन ऑर्गेनिक नर्सरी एंड फार्मिंग शुरू होने जा रहा है. भारत पुरातन काल से कृषि प्रधान देश है और गौवंश और कृषि का पुरातन काल से साथ है. जहाँ खेत हुआ करते थे वहाँ गाय बैल भी होते थे. हमें खाद के लिए कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं थी. हमारे देश में आज भी सिक्किम राज्य है जो कि पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य है क्योंकि उन्होंने अपनी कृषि प्रणाली में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था. 1960 के दशक में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के समय ही से ही हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग शुरू हुआ. उस समय फसलों की पैदावार तो दुगनी हुई किंतु सहने सहने किसानों को समझ में आने लगा कि उसके कितने दुष्परिणाम दिखाई देने लगे. इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने लगा, मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी, जमीनें बंजर होने लगी, पानी दूषित हो गया और बायोडाइवर्सिटी को भी काफी नुकसान पहुंचा. जिसको समझकर हम फिर से जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आकर्षित हो गए. विश्व की सिर्फ 1% धरती ही अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है तथा विश्व की 30% ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में ही हो रही है. यह काल जो है अभी जो हम कह जिस काल में हम हैं रेनबो मूवमेंट या इंद्रधनुषी क्रांति का है जिसमें चहुंओर विकास हो रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या खेती हो. आज का युग हम कह सकते हैं उद्योजकों का है. हर क्षेत्र में संभावना है. यदि आप लीक से हटकर कुछ नया, उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक करेंगे तो कंज्यूमर्स अवश्य ही आपका इंतजार कर रहा है. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमने 3 दिन का वर्कशॉप का करिकुलम चुना है. पहले दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग और वैल्यू एडिशन, जैविक खेती और उसके उत्पाद, प्रोड्यूस की मार्केटिंग कैसे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेट नियम आदि के बारे में जानेंगे. दूसरे दिन नर्सरी एज अ बिजनेस, नर्सरी कैसे की जाती है, कौन सी चीजों से की जाती है, प्रैक्टिकल के द्वारा जानेंगे और इस क्षेत्र में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है विस्तार से जानेंगे. इकोलॉजिकल रिजुवेनेशन टेक्नोलॉजी, जब
बंजर जमीन और जो रसायनों के उपयोग से बंजर हुई है जमीन, उसको हम किस तरह से उर्वरक बना सकते हैं, किस तरह से पॉल्यूशन के असर से पौधों के माध्यम से पॉल्यूशन का असर कम किया जा सकता है, ये जानेंगे। नागपुर में रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहाँ किस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, किस तरह के किसानों को नॉलेज दी जाती है जिससे कि वो नई चीजों को नई टेक्नोलॉजी को अपना सके, उस पर भी चर्चा होगी। अंतिम दिवस तीसरे दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के कितने अलग अलग आयाम है, कितने तरीकों में बटी है, इस पर चर्चा होगी। बैंक द्वारा फार्मर्स को किस तरह के लोन दिए जाते हैं, इस कार्यशाला में आपने आपके लिए क्या टेक अवे है, इसके बारे में चर्चा होगी। और दो सफल ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात करा जाएगी जो अपने अनुभव आप लोगों से साझा करेंगे। तो हम चलते हैं कृषि पर्व की ओर जो वीआई अलीडब्ल्यू द्वारा मनाया जा रहा है। आपके लिए एक सूचना है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा की जो डॉक्टर नलिनी भोयर आ रही थी वो आज किसी कारणवश हमारे बीच नहीं आ पा रही है, अतः मैं श्री आर जी गोयनका जी से अनुरोध करूंगी कि मंच में विराजित सभी विद्वान जनों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का प्रारंभ करें। सभी पांच प्रेसिडेंट से भी अनुरोध करूंगी कि कृपया इसमें जी प्रज्वलन एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो हमें बताता है कि अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से किस तरह से भरा जाए, और इसीलिए ये दीप प्रज्वलन की परंपरा है। अब मैं योगिता देशमुख हमारी वीआईए की एग्जीक्यूटिव मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे के प्रोग्राम का संचालन करें। आप सभी को नमस्कार। आज का प्रोग्राम शुरू होने के पहले यहाँ आए अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं हमारी प्रेसिडेंट रीता लांजेवाली से कहूंगी कि वो सर गोविंद जी का स्वागत फीडबैक और मोहम्मद रोके के साथ तालियों के साथ। हमारी सेक्रेटरी मनीषा जी से बात करूंगी कि वो आनंद ओयल जी का स्वागत करें।
हमारी पास प्रेसिडेंट वंदना शर्मा जी से मैं कहूंगी कि वो लक्ष्मीकांत पटेल जी का स्वागत करें। और मैं हमारी पास प्रेसिडेंट अंजलि गुप्ता जी से कहूंगी कि वो हेमंत चौहान जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अभी आगे का कार्यभार सचिन जी हमारे डीआईए के एग्जीक्यूटिव मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट है, साथ में एनआईटी फोरम के चेयरमैन भी हैं, प्रोप्राइटर है, आरके इंजीनियरिंग सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर है गोयनका सर्विसेज स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड के, और पिछले 3 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, 50 एकड़ में उनकी खेती है, बहुत ही सुंदर इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं। और विशेष तौर पर जो उपलब्धि मुझे अच्छी लगती है कि जब इन्होंने 30 साल पहले खेत खरीदा था तो उसके जो वाटर लेवल था 45 से 50 फीट नीचे था, पर इनके अच्छा परिश्रम से वो 10 फीट के आ गया है। तो वो एक बहुत ही सीखने योग्य चीज है हर एक ऑर्गेनिक एग्रीबिनर के लिए। तो सर को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने शुभ वचन देने के। महिलाएं और आज के वर्कशॉप में भाग लेने वाले जितने भी मेंबर्स हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर नहीं था, मेरा सब्जेक्ट शुरू से इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर के लिए काम करना, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में मैं पिछले 40 वर्षों से काम कर रहा हूं। उसके लिए मुझे अभी गवर्नमेंट ने एबीसी की होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट किया। यहाँ पर कई इलेक्ट्रिकल के वर्कशॉप और कई इलेक्ट्रिकल के सेमिनार मैंने अटेंड भी किए, मैंने एड्रेस भी किए। मतलब ये पहली बार इतनी आदरणीय महिलाओं के सामने और ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में मुझे बोलने का जो मौका आप लोगों ने दिया, ये मेरे लिए टोटली नई बात है। मगर मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी क्या हो रहा है, जैसे हमारे वीआईए में किसानों के साथ मिलकर के जो काम करने वाली बात हो रही है, तो सबसे पहली बात मैंने सजेशन वीआईए में भी दिया था कि ये जो ऐसे वर्कशॉप होते हैं ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर में विलेजेस में जाकर के होने चाहिए, जहाँ पर किसान लोग आकर के इसको अटेंड करें, उसको समझे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है वो समझे, उसको उसके साथ शेयर करें, उनके डिफिकल्टीज शेयर करें। ये जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तो इन चीजों का बेनिफिट उस लेवल तक नहीं जाएगा जहाँ जिन लोगों के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उस लेवल तक इसका बेनिफिट जाना चाहिए। मैंने 50 एकड़ का खेत लिया था, थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाते गया। मैंने जब वो लिया था उस समय टोटली जंगल था, वो एक जंगल था जिस जंगल को मैंने धीरे धीरे डेवलप करते करते उस समय जैसे वीआईए के कुछ पदाधिकारी भी मेरे फार्म पे विजिट करने गए थे, अभी जब गई थी, जब मैंने इनको बताया कि जब मैंने मेरा ये फार्म ये खेत खरीदा था उस समय वाटर लेवल वाज मोर देन 50 फीट, और मुझे याद है कि जब जिस समय हमने कुछ फ्रूट गार्डन लगाना चालू किया, सबसे पहले मैंने मौसम्बी के ट्रीज लगाए थे, पानी नहीं होने से बाहर से पानी ला करके हमको बकेट से पानी उनको देना पड़ता था बाहर से डाला करके, ये मेरी हालत थी उस समय। आज ये फैक्ट है कि मेरे खेत में पानी का लेवल 15 फीट पे, तो आश्चर्य करोगे कैसे, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो हम सिर्फ बातें करते हैं मगर उसके ऊपर हम लोग अमल नहीं करते, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे फार्म के आप लोगों को मिलेगा। मैंने पूरे फार्म को सबसे पहले फार्म के बाद में लैंड डेवलपमेंट सबसे पहला आता
इस पर लोग ध्यान नहीं दिए देते. लैंड डेवलपमेंट के अंदर में आपने प्रॉपर लेवल मेंटेन करके, प्रॉपर स्लोप बना के, प्रॉपर उसमें कैनाल बना करके, उसके बाद मैंने उसमें 3 तालाब बनाए जिसमें मेरा पूरा पानी बारिश का कलेक्ट होता है. मेरे खेत में से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाता. वहां पर मेरी इंडस्ट्रीज है, कुल इंडस्ट्री का जो ऊपर में छत पर से जो पानी गिरता उसको मैंने चैनलाइज करके उसको भी मैंने मेरे खेत ताला जिसको शेत ताला भी बोल सकते हैं उसके अंदर मैं आकर के मैं कलेक्ट करता हूँ. इसका जो बेनिफिट मुझे मिला है मुझे नजर आ रहा है वो चीज. दूसरी चीज पानी की बचत. अभी पानी के लिए तो अभी तो पीने के पानी की दिक्कतें होने वाली, तो आगे खेती के लिए पानी कहाँ से मिलेगा ये तो सोचने वाली बात है. तो आज पानी को कैसे बचाया जाए, वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए, कम से कम पानी के उपयोग में मैक्सिमम लोग आउटपुट कैसे ले सके, इसके लिए मैंने पूरा ड्रिप इरीगेशन किया. वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन के द्वारा मैं मेरा करीब 50 में से करीब 40 एकड़ में ड्रिप इरीगेशन है. इस ड्रिप इरीगेशन के अंदर में डिफरेंट सोर्सेज से पानी लेकर के जो तालाबों में कलेक्ट होता है उन तालाबों से पानी लेता हूँ मैं. और पूरे खेत में वाटर लाइन ऐसे कनेक्टेड है कि कहीं का पानी भी कहीं भी आ सकता है. ये नहीं कि इधर का मोटर बंद हो गया तो हमारा पानी सूख जाए या हमारा बगीचा सूख जाए. दूसरी तरफ से अल्टरनेट लाइन्स डाली हुई थी, वो अल्टरनेट सोर्सेज के द्वारा मैंने उसको डाइवर्शन किया पानी को कि कहीं का भी कोई